हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। क्लास ट्वेल्थ के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अंदर इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जीटोनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं हम ऑटो जीनोगेमी। तीनों के टाइप पढ़े थे, तीनों का अलग अलग डायग्रामेटिकल हमने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद पॉलिनेशन का जो सेकेंड पार्ट है वो है अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। अडेप्टेशन क्या होते हैं कि उसको सेल्फ पोलिनेशन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस किस किस तरह से हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि अडेप्टेशन या कॉन्ट्रावर्सीज फॉर सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन। तो देखो, सेल्फ पोलिनेशन के अडेप्टेशन कौन कौन से हैं। पहला है मोनोक्लाइनी या बाईसेक्सुअलिटी। मोनोक्लाइनी और बाईसेक्सुअलिटी का मीन्स होता है एक ऐसा फ्लोवर जिसके ऊपर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही उसके अंदर प्रेजेंट हो, उस फ्लोवर को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लोवर। तो अगर ऐसा फ्लोवर होगा जिसके अंदर एक ही फ्लोवर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होंगे तो उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मोनोक्लाइनी किसका अडेप्टेशन है? सेल्फ पोलिनेशन का। सेकेंड आता है होमोगेमी। होमोगेमी का मीन्स होता है होमो का मतलब सेम और गेमी का मतलब गैमेट। इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके? बाईसेक्सुअल फ्लोवर के, दोनों एक साथ क्या हो? मैच्योर। अगर दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तो उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो उसको हम बोलते हैं होमोगेमी, मतलब एक ही फ्लोवर है इसके ऊपर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों जो पार्ट है वो दोनों एक साथ क्या होंगे? मैच्योर होंगे। उसको हम बोलते हैं होमोगेमी। मिराबिलिस जलापा के अंदर इस तरह से सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक साथ क्या होते हैं? मैच्योर। थर्ड आता है क्लिस्टोगेमी। पहले तो ये समझो कि क्लिस्टोगेमी का मीन्स क्या होता है और क्लिस्टोगेमी फ्लोवर क्या होते हैं। क्लिस्टोगेमी का मीन्स होता है ऐसे फ्लोवर जो पूरी लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होते हैं। तो देखो, इन सम प्लांट बाईसेक्सुअल फ्लोवर आर फॉर्म्ड, ऐसे प्लांट जिसके अंदर बाईसेक्सुअल फ्लोवर तो बनते हैं बट वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होते हैं, उन फ्लोवर्स को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लोवर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लोवर कौन से होंगे? ऐसे फ्लोवर जो पूरी लाइफ में कभी भी नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ। कोमेलिना हुआ, वायोला हुआ, ऑक्जेलिस हुआ, ये जो फ्लोवर होते हैं ये क्लिस्टोगेमस फ्लोवर होते हैं। ये अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। अब हमेशा जो फ्लोवर क्लोज रहेंगे तो उनके अंदर क्या होगा? सीधी सी बात है, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। तो सेल्फ पोलिनेशन का ये अडेप्टेशन। बट एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है नीट के हिसाब से भी, कि जो कोमेलिना फ्लोवर होता है, जो कोमेलिना का प्लांट होता है उसके अंदर दोनों तरह के फ्लोवर्स होते हैं, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दोनों। कोमेलिना में दोनों तरह के फ्लोवर्स होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लोवर और क्लिस्टोगेमस फ्लोवर। अब मैंने बताया था क्लिस्टोगेमस का मीन्स तो होगा जो नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होंगे। बट चेस्मोगेमस फ्लोवर क्या होते हैं? जो पूरी हॉल लाइफ में क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हैं। क्लिस्टोगेमस की डेफिनेशन तो बता दी कि नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ, अपनी लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होंगे, वो कौन से कहलाएंगे? क्लिस्टोगेमस। बट चेस्मोगेमस फ्लोवर कौन से होंगे? जो अपनी पूरी हॉल लाइफ में क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। तो देखिए, कोमेलिना फ्लोवर है इसके अंदर जो एरिया, क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लोवर प्रेजेंट होते हैं और जो एरियल पार्ट है उसके ऊपर कौन से? चेस्मोगेमस फ्लोवर होंगे। और चेस्मोगेमस फ्लोवर जो होंगे ब्राइटली होते हैं, चमकीले होते हैं। और अब चेस्मोगेमस फ्लोवर होंगे तो ये हमेशा क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। हमेशा ओपन रहने की वजह से कौन सा पोलिनेशन होगा यहाँ पर? क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि ओपन होगा तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेज ज़्यादा होंगे। बट इसके अंडरग्राउंड में ही
जो राइजोम है वहाँ पर जो फ्लोवर लगते हैं वो कौन से लगते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लोवर। और क्लिस्टोगेमस फ्लोवर कौन से होते हैं, जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। तो इस क्लिस्टोगेमस फ्लोवर के कारण इसके राइजोम पार्ट के अंदर कौन सा पोलिनेशन होगा, सेल पोलिनेशन। तो इसके राइजोम पार्ट अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर राइजोम के ऊपर क्लिस्टोगेमस फ्लोवर होने की वजह से तो क्या होगा, सेल पोलिनेशन। और एरियल पार्ट के ऊपर चेस्मोगेमस फ्लोवर होने की वजह से कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि चेस्मोगेमस हमेशा ओपन रहते हैं, क्लिस्टोगेमस हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। इसलिए कोमेलिना जो प्लांट है एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर दो तरह के फ्लोवर लगते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। इसलिए कोमेलिना के अंदर दोनों तरह के क्या होते हैं, पोलिनेशन होते हैं। अंडरग्राउंड जो होता है वहाँ पर सेल पोलिनेशन होता है, और एरियल पार्ट के अंदर चेस्मोगेमस फ्लोवर लगने की वजह से यहाँ पर कौन सा होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इस तरह से ये मेन जो है सेल पोलिनेशन के तीन अडेप्टेशन है, तीनों अडेप्टेशन ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के अडेप्टेशन कौन कौन से होंगे, किस किस तरह से, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा था सेल पोलिनेशन, और सेल पोलिनेशन के अडेप्टेशन कौन कौन से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन के अडेप्टेशन। हमारी रेगुलर सीरीज को देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। क्रॉस पोलिनेशन के अडेप्टेशन हम नेक्स्ट टाइप में दिखाएंगे किस किस तरह से उसके अंदर। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।